हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और जैसा हम लोगों के बिल्ड की खासियत रही है कि सभी फील्ड में हम लोगों ने अब तक सिस्टम दिए हैं, आज जो अपना सिस्टम है ये एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, जहाँ पे ये सर्वर से कनेक्टिंग में ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रन करते हैं, जिसके लिए इनको एक हायर एंड सिस्टम चाहिए था। और इन्होंने प्रेफरेंस जो रखी है वो अपनी AMD के साथ में गए हैं। इसके पहले इन्होंने अपने जब भी बिल्ड बनवाए हैं तो Xeon सर्वर्स पे ये जाकर बनवाए हैं। पहली बार ये अपने वर्क स्टेशन के लिए छोटा PC बनवा रहे हैं, जो उनके अकॉर्डिंग छोटा है, लेकिन उसके लिए जो तैयारी है आप देखोगे कि वो काफ़ी अच्छी है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये लोग अपने ड्रोन यूज़ करते हैं, फसल की जानकारी लेते हैं, फिर उनके डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर उनका डेटा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद पुणे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसे ये डेटा को कलेक्ट करके सेल आउट भी करते हैं। इस तरीके से इनके बहुत सारे वर्क हैं। और ये फर्म दिल्ली बेस की है, क्योंकि क्लाइंट हमारे कम से कम 6 ईयर ओल्ड हैं। तो रेगुलर चाहे पुणे में रहते हो चाहे दिल्ली में रहते हो, ये हमेशा यहाँ से ही सिस्टम के लिए अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि आप ओके करिएगा और भेज दीजिएगा, ओके करिएगा भेज दीजिएगा। और जो भी चीज़ रहती है उस पर थोड़ी बहुत बात होती है, क्योंकि इनके मैक्सिमम जो वर्किंग होती है वो कोर्स के ऊपर होती है। ग्राफिक इनके उतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते, लेकिन एडिटिंग बेसिस पे और रेंडर बेसिस पे ये ग्राफिक कार्ड भी अच्छे से अच्छा प्रेफर करते हैं। जिसको एक छोटा PC कहा जा रहा है, कई लोगों की वो एम्बिशंस होती है कि इस तरीके का PC हम रेडी करें। देखिए कैसे 7950X पहला प्रोसेसर है, जो अपना 16 कोर और 32 थ्रेड के साथ आएगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें रेडियन ग्राफिक इनबिल्ट होता है, Gen 4 आर्किटेक्चर है, AM5 सॉकेट है। AM5 सॉकेट वो है जो 5 नैनोमीटर पे आया था, और इन्होंने जब अपनी राइजन 5 जो 55-5600 सीरीजें होती थी उनके बाद मूव किया तो 7 वाली सीरीज आई। 7 वाली सीरीज में जेन 5 आर्किटेक्चर पे आए जो 5 नैनोमीटर के साथ में थे। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग की है, इनके वेगा ग्राफिक ही इतने कैपेबल होने लग गए कि अगर इनके 8600, 8700, 8800 इन सीरीजों पर जाइए तो 1650 ग्राफिक कार्ड का काम ही तमाम कर दिया। इसीलिए NVIDIA ने क्या किया है कि अपने 1650 सीरीज को बंद भी करना स्टार्ट कर दिया कि हमें चाहिए नहीं भाई, हम धीमे से बंद कर देते हैं, तुम हमें बताओ कि हमारी ज़रूरत ही नहीं बची तो हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ सेलेक्शन हुई है, अपना 7950X प्रोसेसर जो 16 कोर 32 थ्रेड के साथ है, और इसकी बेस क्लॉक 4.5 गीगाहर्ट्ज़ है और मैक्सिमम बूस्ट जो है 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक का है। जब प्रोसेसर इतना दमदार हो तो मदरबोर्ड भी छोटा नहीं लिया जा सकता। हम लोग मैक्सिमम गीगाबाइट के साथ ही कंफर्ट जोन में रहे हैं, तो हम लोग आज भी कंफर्ट जोन में गीगाबाइट के साथ ही जाएंगे, बस थोड़ी सी अप सीरीज के साथ। ऑरस की X670 ऑरस एलिट AX 670 सीरीज का मदरबोर्ड है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अगर बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम बजट का एक अच्छा मदरबोर्ड है, 30,000 के अंदर जो भी बोर्ड आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो सभी अच्छे बोर्ड कहलाएंगे। 4 रैम स्लॉट आपको 128 GB तक की एक्सपेंडेबिलिटी दे देते हैं DDR5 में, वो भी 7200 MHz तक की रैम को आप लगा सकते हैं। कई लोग प्रेफर करते हैं X4 RAM होनी चाहिए, कई लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है नॉर्मल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपो का जो मेन दिक्कत थी वो आपके स्टार्टिंग सीरीज में थी, अभी इस तरीके के इशू नहीं बचे हैं कि हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आपको वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5 और साथ में 3 M.2 NVMe ये सारे फीचर्स X670 और एलीट AX मदरबोर्ड में मिल जा रहे हैं। तो दूसरा हो गया प्रोडक्ट बहुत ही जानदार, वो भी X670 का और सीरीज का। अब इसमें आते हैं कि इसकी थीम कैसी रखनी थी। पहले ये हो रहा था, चूँकि ऑफिस सारा का सारा जो है वो इस तरीके का एक थीम बेस पे वर्क करता है, बहुत ज़्यादा RGB इनको चाहिए नहीं होती है, लेकिन कैबिनेट ये बड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेंडर डालने के बाद हीटिंग का इशू होता है। उससे बचने के लिए इन्होंने कहा कि कैबिनेट थोड़ी बड़ी रखिएगा। हम लोगों ने कैबिनेट कौन सी प्रेफर की है, थर्मलटेक की View 380 वाइट कैबिनेट है, 3 फैंस साइड में और 1 बैक साइड में, 2 साइड से आपको ग्लास मिल जाते हैं। इसको कई लोग एक्वेरियम कैबिनेट भी बोल सकते हैं, बोलते हैं कि एक्वेरियम टाइप की दिखने वाली कैबिनेट्स जो हैं आजकल ज़्यादा लुक में हैं, फीचर्स में हैं। इसमें नीचे और फैन इंक्रीज किए जा सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में यहाँ पे जो है आपका लिक्विड कूलर लगा होता है 360 का, वो लिक्विड कूलर जो है वो आउट कर रहा होता है एयर को बाहर की तरफ, तो जितनी गर्मी इसके अंदर जनरेट होगी रेंडर के टाइम पे उसको आउट करने के लिए जितने फैन की जरूरत है वो सब कुछ अपने पास अवेलेबल है। ड्यूअल चैम्बर की कैबिनेट है,
SMPS बैक साइड में चली जाएगी, हार्ड ड्राइव लगने की सुविधा बैक साइड में चली जाएगी। अगर आप देखने जाइए तो एक पावर बटन मिल जाता है, दो आपको USB 3.0 मिल जाएंगे, ऑडियो पोर्ट मिल जाता है, रिस्टार्ट का बटन मिल जाता है, टाइप सी कनेक्टिविटी मिल जाती है। मतलब लेटेस्ट में जितने चीजें चाहिए वो सब कुछ कैबिनेट के ऊपर अवेलेबल है। इसी थीम पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चूंकि व्हाइट कैबिनेट यूज की थी तो व्हाइट ग्राफिक कार्ड को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इत्तेफाक कहिए कि इनकी किस्मत कहिए कि अवेलेबिलिटी है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, एरो सीरीज या आई सीरीज ये सब जो रहती हैं गायब रहती हैं। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, RTX 4070 सुपर, ये जो है आई सीरीज का है, वाइट होता है, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन काफी हद तक मैच होता है, OC सीरीज है, 12GB का वेरियंट है, 3 फैन का एडिशन है, ईगल OC वर्जन है। इसको हम लोग इस बिल्ट में यूज करने जा रहे हैं। तो वाइट के साथ वाइट ग्राफिक कार्ड एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, मदरबोर्ड वाइट नहीं है, मदरबोर्ड ब्लैक है। तो हम लोगों ने रैम भी इसमें जो रखी है वो ब्लैक ही रखी है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग नहीं है, तो RGB से कोई इनका लेना देना नहीं था। 32GB की दो स्टिक यूज की जाएगी, अभी मेरे पास एक स्टिक है, एक स्टिक मांगी हुई है, अभी वो जैसे ही आ जा रही तुरंत इसको इंक्लूड कर लेंगे। कोर्सर की 32GB की रैम है, 5200 MHz पर है, इतना कोई इशू नहीं होने जा रहा। इनके पास रैम ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, मेगाहर्ट्ज पे बहुत ज्यादा वर्किंग ये नहीं करते हैं। पावर सप्लाई एक बार जो है जरूरत से ज्यादा यूज इसलिए की गई है कि कभी कभी इन लोगों को दो ग्राफिक कार्ड भी यूज करने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है इनको आगे 4070 के ये एक और कार्ड इस मशीन में लगाना पड़े, तब इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से पहले ये डिसाइड हो रहा था, 750 इसके लिए रिक्वायरमेंट कंप्लीट थी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये हुआ कि 850 रखी जाए तब भी बेनिफिट नहीं है, ज्यादा अच्छा है कि 1050 पे जाते हैं, जिससे हमें कभी अगर जरूरत पड़े तो हमारी मशीन इसके लिए रेडी हो कि हाँ 1050 हमारे पास अवेलेबल है। MW सीरीज की गोल्ड V2 सीरीज की है, फुली मॉड्यूलर, 1050 वाट, ATX 3.0, PCI 5.0 के लिए रेडी है। सबसे अच्छी चीजें एडवांस के लिए जो तैयारी हो रही उसमें सब कुछ जितना चाहिए उससे कम नहीं मिल रहा है। कूलर मास्टर से हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि कम नहीं मिलेगा। स्टोरेज पे अभी सिर्फ जो यूज होगा वो सिर्फ एक NVMe यूज हो रही है, Gen 4 कैटेगरी की, ऑरस की है, इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। 5000 रीड स्पीड है और 4600 राइट स्पीड है, इसमें इसको रखा गया है क्योंकि हार्ड ड्राइव ये अपने आगे इंक्लूड करेंगे। अभी सिर्फ इन्होंने एक प्राइमरी स्टोरेज के रूप में मशीन को ले लिया है। अब चूंकि प्रोसेसर इतना दमदार है, 7950X 16 कोर की प्रोसेसिंग पर 32 थ्रेड डेडिकेट है, तो फिर अब ये उम्मीद की जाती है कि एक ऐसा लिक्विड कूलर चाहिए जिसकी RPMs काफ़ी हाई हो। अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो कोर्सियर के जो H150 सीरीज आती है उससे इस लिक्विड कूलर की RPMs हाई हैं। साथ में इसमें एक जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है कि आपको CPU का टेम्परेचर पता लग रहा होता है और RPMs पता लग रहे होते हैं, वो इसको और डिफर करते हैं। थर्मलटेक की इस सीरीज के साथ मैं अभी तक जब भी गया हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। थर्मलटेक की TH360V2 अल्ट्रा सीरीज जो है काफ़ी किफ़ायती और मजबूत है, इसको हम लोग इस बिल्ट में यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पूरे सिस्टम के अब कॉन्फिग आपके सामने है, अब इसको हमें फटाफट रेडी कर लेना है और ट्राई करेंगे कि कल तक इनको डिलीवरी भी पॉसिबल दे सके, क्योंकि दिल्ली में मैक्सिमम जब हम ट्रैक ऑन कोरियर से डिलीवर्ड करवाते हैं तो दूसरे दिन डिलीवर्ड हो जाता है, या तो कल डिलीवर्ड हो जाएगा या परसों तक मैक्सिमम चांस है कि डिलीवर्ड हो जाए। लेकिन आज की डेट में हमें यह प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है जिससे इनके पास फटाफट इनका प्रोडक्ट पहुँच सके। बस गाइज, अब फटाफट इसको रेडी करते हैं और फिर से थोड़ी देर में मिलते हैं। बिल्ट होने के बाद लुक पे बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं थी, लेकिन फिर भी लुक पे काम काफ़ी कुछ हो गया। वाइट लिक्विड कूलर, वाइट ग्राफिक कार्ड, वाइट कैबिनेट, इन तीन कॉम्बिनेशंस ने इसको वाइट ब्लैक थीम के अकॉर्डिंग मस्त अल्टीमेट सेलेक्ट करा दिया है। अब इसको रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज, ये बिल्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है और इसमें विंडो डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनकी वर्किंग जो है वो विंडो बेस्ड मैक्सिमम नहीं रहती है, ये अपने रेड हैट सर्वर्स पे या लिनक्स सर्वर पे वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे इनके जो अपने वर्क होते हैं वो कुछ अलग रहते हैं। इन्होंने कभी भी हम लोगों को विंडो टेस्ट करके या विंडो डाल के या उसको एक्टिवेट करके या और किसी भी ऑप्शन से मुक्त रखा है। ये हम लोगों का कीड़ा है जो काट लेता है बार बार, कि हार्डवेयर की टेस्टिंग के लिए विंडो डाल के फिर चेक कर लेते हैं, उसके अलावा कोई भी इसके साथ ऐसा वर्क नहीं है। अभी पूरी तरीके से रेडी है,
जैसा मैंने बताया था 32 GB की एक स्टिक थी, अभी 32x2 की दो स्टिक आपको दिख रही होगी कि वो लग गई है, और 360 लिक्विड कूलर जो कि कस्टमाइजेबल है, जिसके अंदर टेम्परेचर और RPMs दोनों मेंशन करने का ऑप्शन रहता है, ये कस्टमाइज है इसीलिए ये सारी चीज पॉसिबल है। 4070 ग्राफिक कार्ड भी लग गया है, ईगल ओसी वर्जन है। 3 फैन आपको साइड में लगे हुए हैं, 1 बैक साइड में लगा हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा इसे कस्टमाइज और भी ज़्यादा करने की परमिशन नहीं है कि आप जितना करना था हार्डवेयर की सेटिंग्स पूरी प्रॉपर कर दीजिए, अपने लेवल पे सब कुछ मैनेज कर दीजिए और हमें हैंडओवर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग जितने CPU से हमें रिक्वायरमेंट थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और देख रहे हैं कि हम विंडो पे आगे बढ़ने की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्ड पूरा रेडी हो चुका है और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। आप लोग इस तरीके के बिल्ड के बारे में खूब बार विचार कर सकते हैं। 189,000 रुपीज इसकी पूरी कॉस्ट है, मतलब 1,89,000 इसका प्राइस है। अब ये जो है जिस तरीके का बिल्ड है इनके अकॉर्डिंग ये अब तक का सबसे सस्ता PC है, क्योंकि ये जब अपने यहाँ सर्वर्स की तैयारी करवाते हैं तब उसमें क्वाडो कार्ड और नॉन ECC ECC रैम्स, बफर्स रैम, उसमें अलग एकदम कॉम्बिनेशन चलते हैं। बड़े सीरीज का मदरबोर्ड होता है, बड़ी कैबिनेट होती है, EATX कैबिनेट रहती है। तो अभी तक इन्होंने सर्वर्स के जब भी कोट दिए हैं तो कभी 3 लाख 3.5 लाख से नीचे नहीं रहे। ये अब तक का सबसे सस्ता PC है इनके यहाँ का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सस्ता PC है जो रेडी हुआ है एज अ वर्क स्टेशन। ये नॉर्मल वर्क के लिए इनके यूज होगा और जिसपे ये क्या क्या करेंगे उसके मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। बस एक एज्यूम कर सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर की फील्ड से काम करते हैं, एनालिसिस का काम करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम करते हैं, तो उसी तरीके का कुछ वर्क इस पे भी होगा। बस गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बिल्ड के साथ में, क्योंकि इसे पैक भी करना और हैंड ओवर भी करना है कुरियर को, तभी ये जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। गुड़गांव में इनका ऑफिस है तो दिल्ली से गुड़गांव पहुंचते शायद 2 दिन का मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बिल्ड यूनिक बिल्ड के साथ में। थैंक यू।